जय बाबा भोलेनाथ। आज हम हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ मंदिर में पहुँचे हैं। ये मंदिर पालमपुर से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सामने मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बलुआ पत्थर से बना है और नागा शैली में बना हुआ है। कहते हैं कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, ये त्रेता युग में ये वही शिवलिंग है जो भगवान शिव ने रावण को दिया था और उसको कहा था कि इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं पर भी मत रखना, नहीं तो मैं स्थापित हो जाऊंगा। और इसके बारे में एक और कथा है कि अज्ञातवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने भी करवाया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य मंदिर के साथ साथ छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जिसमें नाग देवता, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग और राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। अब देख सकते हैं कि जो मंदिर है इसमें बहुत ही पुराने लेख आप देख सकते हैं और ये मंदिर वास्तुकला का अद्भुत एक नमूना है। ये आप देख सकते हैं कि भगवान शिव शंकर और नाग देवता के दर्शन कर सकते हैं। ये एक छोटा मंदिर और जहाँ पर बना हुआ है, इसमें भी शिवलिंग स्थापित है भगवान भोलेनाथ का। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो इस मंदिर में आप राधा कृष्ण जी के दर्शन भी कर सकते हैं। जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने लगे तो सबसे पहले हमको नंदी भगवान के दर्शन होंगे। अब हम आपको मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लेकर चलते हैं, जहां पर आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग रूप में भगवान बैजनाथ के दर्शन करेंगे। जैसे मंदिर से बाहर आएंगे तो वहाँ पे हवन कुंड भी है, जिसमें भक्तजन भगवान बैजनाथ को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ करवाते हैं। मंदिर की परिक्रमा स्थल पर आप शिव गंगा के दर्शन भी कर सकते हैं। जय बाबा भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय बाबा बैजनाथ, जय भोले शंकर।